इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। ईमन का चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज दाल चावल बनाए हैं हमने, और जब दाल चावल बनते हैं तो हम साथ में कोई टिक्के वगैरह ज़रूर बना लेते हैं साथ में। तो पोटे थे फड़े हुए चिकन के घर में, तो बच्चों ने कहा कि जी आज जो है ना ये आज आप बाज़ार से बनवाएं, तो आज हम बाज़ार में जो है इसको भेज देंगे। हमने धो लिए हैं अच्छी तरह से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि पोटों की सफ़ाई जो है कितनी आसानी से की जा सकती है। तो चलें जी, इंशाल्लाह ये मैं अब धोने के बाद हम भेज देंगे इनको। आप वीडियो इंजॉय कीजिए। जी तो फिर आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो ये देखें जनाब, हमने खाना खाया, इंजॉय किया, दाल चावल हैं ऊपर, ये टिक्के आए, हाय 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 कमाल हो गई, ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सैलड है, अचार है, रोटी है, नान है, और इसके बाद फिर चाय। चाय ना हो तो फिर उसके बगैर क्या ज़िंदगी है। खाने के बाद चाय तो मस्ट होती है, और उस पे हो जीरे वाला बिस्किट, तो आए हाय हाय हाय, एक कप चाय और आए हाय हाय हाय, और साथ में हो जीरे वाला बिस्किट, तो क्या ही बात है। अच्छा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है जीरे वाला बिस्किट, मैरी बिस्किट। आप भी मुझे बताइएगा आपको कौन सा जो है बिस्किट पसंद है। तो चलिए जी, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।